फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। नवरात्रे आने वाले हैं या कोई भी आप व्रत रखते हैं तो हम कूटू की पूड़ियां तो बनाते हैं, तो दही के साथ खाई जाती है लेकिन अच्छी लगती है आलू की सब्जी के साथ। तो आज हम बनाएंगे व्रत वाली आलू की रसीली सब्जी जो कि बहुत ही मजेदार और चटपटी बनती है। तो रसीली सब्जी बनाने के लिए आलू की मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज आलू उबले हुए लिए हुए हैं और उनको मैंने हाथ से फोड़ लिया है। तो आप इसको हाथ से फोड़ लें और साथ के साथ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है काली मिर्च, सेंधा नमक, हरा धनिया खूब सारा, जीरा, लेमन जूस और हरी मिर्ची। तो आलू की रसीली सब्जी हम पैन में बना रहे हैं और पैन में तकरीबन हमने 1.5 टीस्पून हमने एक देसी घी डाल दिया है और देसी घी हमारा गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम मैंने लो पे रख दी है। तो हम सबसे पहले अपना जीरा डालते हैं। तो 1 टीस्पून हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया और जीरा के साथ साथ हमने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। और फिर एक बार तड़कने देते हैं। तो अब जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो जीरा है तड़क चुका है और इसमें हम डाल देते हैं अपने आलू। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च इस्तेमाल की है, तो ये तकरीबन 1/4 टीस्पून ऑफ काली मिर्च। और व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है तो हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार। और इन सभी चीज़ों को एक बार हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम अभी भी मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। तो एक मिनट हमने यहाँ पे इसको चला लिया था और इसमें हम डाल देते हैं तकरीबन, मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है और गैस की फ्लेम जो है यहाँ पे मैं इसको मीडियम कर देती हूँ। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं लेमन जूस और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इस सब्जी को हम पका लेंगे। तो इसको 5 से 7 मिनट हो चुके थे और ये जो हमारी सब्जी है ये पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और गैस मैं कर देती हूँ बंद और इसमें हम डालते हैं खूब सारा हरा धनिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। व्रत वाले खाने की जो बात ही है ना वो भी अलग ही होती है। तो ये देखिए झटपट तरीके से बनने वाली हमारी रसेदार आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म जो है आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है और इसको मैं अब खाने जा रही हूँ कुछ गर्मा गर्म कूटू की पूड़ियों के साथ। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उसका भी जो लिंक है आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और पहले हम खाएं इसको भाई। तो ये मैंने ली पूड़ी, गर्मा गर्म पूड़ी, वाह जी वाह। और सब्जी में मैंने किया इसको डिप, ये देखिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मजेदार बनी है। तो अब जोर से बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और अपने जो एक्सपीरियंस हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शंस में लिखते रहिए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आता रहेगा और इसी तरह से आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो जोर से बोले जय माता दी।